भारतीय रिजर्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही के लिए ऋण एवं मौद्रिक नीति की घोषणा। वर्तमान ब्याज दरों में कोई परिवर्तन नहीं। वित्तीय वर्ष 2013-14 के लिए संशोधित सकल घरेलू उत्पाद का पूर्वानुमान 5.7% से घटाकर किया 5.5%। बॉम्बे हाईकोर्ट ने आईपीएल स्पॉट फिक्सिंग और सट्टेबाजी मामले में बीसीसीआई द्वारा गठित 2 सदस्यीय समिति को अवैध और असंवैधानिक करार दिया। मामले की जांच के लिए बीसीसीआई को नई समिति बनाने को कहा। समिति ने अपनी रिपोर्ट में राज कुंद्रा और गुरुनाथ मैयप्पन को दी थी क्लीन चिट। तेलंगाना मुद्दे पर फैसले के लिए यूपीए संचालन समिति की बैठक आज। अलग राज्य के मसले पर किसी फैसले से पहले दोपहर बाद कांग्रेस कार्य समिति में विचार विमर्श। पश्चिम बंगाल पंचायत चुनावों में तृणमूल कांग्रेस की भारी मतों के साथ जीत सुनिश्चित। ममता बनर्जी ने कहा, चुनाव परिणाम लोकतंत्र और लोगों की जीत। अर्थव्यवस्था को उच्च विकास दर की पटरी पर वापस लाने के लिए प्रधानमंत्री ने उद्योग जगत के साथ की बैठक। बैठक में चालू खाते के बढ़ते घाटे, कम हो रहे औद्योगिक उत्पादन और गिरती विकास दर पर चर्चा की गई। आज अंतर बैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में शुरुआती कारोबार में रुपया डॉलर के मुकाबले 31 पैसे की गिरावट के साथ 59.72 रुपए प्रति डॉलर पर खुला। आज शेयर बाजार हल्की बढ़त के साथ खुले। सेंसेक्स 27 अंक की बढ़त के साथ 19,621 पर खुला। निफ्टी भी 12 अंक की बढ़त के साथ 5,844 पर खुला। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में पीलीबंगा के पास आज सुबह एक स्कूली बस और ट्रक के बीच हुई टक्कर में 8 स्कूली बच्चों की मौत, 24 गंभीर रूप से घायल। बस पर 45 बच्चे सवार थे। पाकिस्तान में राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव आज। चुनाव की तारीख 6 अगस्त की बजाय 30 जुलाई की गई। पीपीपी ने अपना उम्मीदवार वापस लिया। मुकाबला पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों के बीच। पाकिस्तान में डेरा इस्माइल खान स्थित एक जेल पर कल रात 40 से अधिक तालिबानी आतंकवादियों ने अपने साथियों को छुड़ाने के लिए किया हमला। इस जेल में 100 से अधिक तालिबानी और अन्य आतंकवादी कैद हैं। इस हमले में कई कैदी फरार हो गए, जिनकी संख्या अभी तक स्पष्ट नहीं। स्विट्जरलैंड में 2 ट्रेनों के बीच टक्कर में 35 लोग घायल हो गए, जिनमें 5 की हालत गंभीर। पुलिस के अनुसार एक ट्रेन ड्राइवर की गलती के कारण यह हादसा हुआ, जो निर्देशों को सही तरह से नहीं जान पाया था। आईसीसी ने 2015 क्रिकेट विश्व कप के कार्यक्रम की घोषणा की। पहला मुकाबला 14 फरवरी को क्राइस्टचर्च में श्रीलंका और न्यूजीलैंड के बीच 44 दिनों तक चलने वाले वर्ल्ड कप में 49 मैच खेले जाएंगे। भारत और पाकिस्तान एक ही ग्रुप में।